तो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि जो NPCIL का जो भी अभी फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया, जैसे कि आपको पता है, तो अभी तक आपने फॉर्म फिलअप स्टार्ट नहीं किया तो जाओ फॉर्म फिलअप कर लो। और इसका आज मैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताऊँगा कि कौन कौन सा, मतलब कि कौन कौन सा सब्जेक्ट को पढ़ना है, और अरे मैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करूँगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए मैं इसमें जो भी कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2, मतलब कि जो भी स्टेपेंडरी ट्रेनिंग, मतलब कि ITI वालों का जो था टेक्नीशियन, एंड कैटेगरी 2 का जो भी ITI वालों के बारे में बताऊंगा, और फिर जो स्टेपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 जो साइंटिफिक असिस्टेंट्स का, मतलब कि डिप्लोमा वाले, उनका मैं बताऊंगा। तो जो कैटेगरी 1 का तो नॉर्मल होगा, आपका रिटर्न टेस्ट होगा CBT मोड में और पर्सनल इंटरव्यू। और जो इसमें कैटेगरी 2 का जो होगा, मतलब कि डिप्लोमा वालों का, टेक्नीशियन वालों का, सॉरी ये जो ITI वालों का, टेक्नीशियन वालों का कैटेगरी 2 का, उनका दो दो रिटर्न एग्ज़ाम के बेस पर मेरिट मेरिट बनेगा, एग्ज़ाम होगा। तो चलिए मैं इसका कौन कौन सा सब्जेक्ट है और कैसे है वो बता देता हूँ डिटेल में। तो देखिए यहाँ पर जो कैटेगरी 1 होगा, मतलब डिप्लोमा वालों का, जो स्टेपेंडरी ट्रेनिंग एंड साइंटिफिक असिस्टेंस का, तो उनका CBT यहाँ पर दिया हुआ है, या तो OMR शीट पे होगा या फिर CBT मोड पे, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, ड्यूरेशन 2 घंटा का होगा, 2 घंटा का होगा, और 120% होगा। 2 घंटा में 120 क्वेश्चन होगा, मतलब कि पर क्वेश्चन पे एक एक मिनट का टाइम मिलेगा। आपका यहाँ कौन कौन सा सब्जेक्ट होने वाला है यहाँ पर देख सकते हैं। इंग्लिश है, इंग्लिश से 20, जनरल अवेयरनेस से 20, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 20, फिर 60 मार्क्स का आपका जो ब्रांच होगा, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल या जो भी ब्रांच है, तो उसमें से आपको 60 मार्क्स का पूछेगा। एक क्वेश्चन सही करने पे 3 मार्क्स मिलेगा, फिर नेगेटिव मार्क्स, 1 मार्क का नेगेटिव है। क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम जो मार्क्स है जो जनरल कैटेगरी एंड EWS कैटेगरी के लिए 40 है, 40 मार्क्स आपको लाना कंपलसरी है। और अगर आप ST SC ये वगैरह है तो 30 मार्क्स की ये कंपलसरी है। जो रिटर्न टेस्ट होगा उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो इंटरव्यू में, पर्सनल इंटरव्यू में आपको एक पोस्ट पे 5 5 टाइम्स, मतलब कि 5 इंटरव्यू पे बुलाया जाएगा, एक पोस्ट पे 5 इंटरव्यू पे बुलाया जाएगा आपको इंटरव्यू में। और उस इंटरव्यू के बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। तो मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, अगर कोई भी यहाँ पर, अगर कोई भी कैंडिडेट्स इक्वल मार्क्स ऑब्टेन किया हो रहता है, मतलब कि इंटरव्यू में कोई भी, अगर इंटरव्यू में आप जिसका मार्क्स सेम रहेगा तो आपको क्या किया जाएगा, तो उसमें आपको जिसका एज ज़्यादा है, जहाँ यहाँ पर अगर देखोगे तो अगर फर्स्ट, तो आपको अगर एग्ज़ाम में आपका हायर मार्क्स होगा रिटर्न टेस्ट में, तो आपको इंटरव्यू में फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा। और नेक्स्ट ये बोला हुआ है कि अगर कोई दो बंदा का एक ही सेम मार्क्स होता है, तो उनको उनमें से जिनका एज ज़्यादा होगा, यहाँ पर दिया हुआ है जिनका एज ज़्यादा होगा, तो उससे पहले मेरिट लिस्ट पे ऊपर रखा जाएगा, यही बोला है। अब मैं ITI वालों का जो टेक्नीशियन, मतलब स्टेपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 टेक्नीशियन वालों का अगर बता दूं, तो इसमें रिटर्न टेस्ट, 2 रिटर्न टेस्ट होगा और 1 स्किल टेस्ट, और हाँ फिजिकल टेस्ट भी होगा। उस फिजिकल टेस्ट तो दोनों में होगा ही। तो स्टेज 1 में जो 1 1 आवर का होगा ड्यूरेशन, एंड स्टेज 2 होगा उसमें 2 आवर का। तो जो भी स्टेज 1 में क्वालिफाई, ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मतलब कि इसको क्वालिफाई करोगे स्टेज 1 को, तभी जाके आपको स्टेज 2 में रिटर्न टेस्ट बैठने देगा। तो देखिए स्टेज 1 का जो क्वेश्चन होगा वो होगा मैथमेटिक्स होगा 20 मार्क्स का, साइंस होगा 20 मार्क्स का, फिर जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स का, मतलब कि 50 मार्क्स का टोटल रहेगा, फिर 1 घंटा का ड्यूरेशन। अच्छा है, इसमें भी सेम पैटर्न है, नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क का और 3 मार्क्स अगर आप सही करते हैं, 3 मार्क्स इसका भी सेम। आपको क्वालिफाई करने के लिए 40% लाना ज़रूरी है,
एंड एसटीएससी वालों को 30%। स्टेज टू एग्ज़ाम वो 2 आवर का होगा, 2 घंटा का। अगर उसमें आपको ट्रेड के रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, जो कोई भी फिटर या कोई भी आपका जो ट्रेड है, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, ये सारे से आपको पूछा जाएगा, आपका खुद का ट्रेड से। उसके बाद आपको ये, अगर स्टेज टू क्वालिफाई करते हो तो आपको बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। स्किल टेस्ट में आपको क्या होगा, स्किल टेस्ट में आपका जो स्टेज टू का होगा, एडवांस टेस्ट होगा, उसके बेस पे आपको शॉर्टलिस्टेड करेगा, उसके नंबर पे, बेस्ट पे, कि आपने क्या ना, फर्स्ट जो एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट स्टेज वन एग्ज़ाम होगा, उसका ना मार्क्स मार्क्स को कंसिडर नहीं किया जाएगा, ओनली सेकेंड स्टेज का मार्क्स को ही कंसिडर करके शॉर्टलिस्ट करेगा स्किल टेस्ट में। इसमें भी 5 इंटू पे ही बुलाया जाएगा, एक पोस्ट पे। उसके बाद शॉर्टलिस्टेड जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, इसमें पहले फिजिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ही इंटरव्यू कराएगा, यही दिया हुआ है। बाकी आई होप कि ये छोटे से वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।